जय स्वामी नारायण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वन्ना स्वागत करती हूं आपका आपकी अपनी चैनल श्री हेल्दी फूड में। दोस्तों, आज से हम सारी रेसिपी हिंदी में शेयर करेंगे। मेरे कई सारे अपनों और दोस्तों की फरमाइश थी कि आज से आप अपनी सारी रेसिपी हिंदी में शेयर करें, तो अब से हम सारी रेसिपी हिंदी में ही शेयर करेंगे। तो आपको अगर मेरी सारी रेसिपी अच्छी लगती है और आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, हम आज बनाने वाले हैं सिंगदाना और आलू की खिचड़ी, जो हेल्थी, टेस्टी और इजीली बन जाती है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी। आज हमें सिंगदाना और आलू की खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए हमने यहाँ दो बड़े आलू को इस तरह से कट करके कुकर में ले लिया है। अब हम इसमें एक गिलास जितना पानी डालेंगे और एक चम्मच जितना नमक डालेंगे, और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और तीन से चार सीटी हो जाए तब तक हम आलू को पकाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब तीन से चार सीटी हो जाए तब तक हमें आलू को पकाना है। तीन से चार सीटी हो गई है और आलू भी हमारे पक गए हैं। अब यहाँ हमें गैस ऑन करके एक पैन रखनी है और उस पैन में हमें तीन से चार बड़ी चम्मच जितना तेल डालना है। यहाँ हम सिंग तेल का ही उपयोग करेंगे। दोस्तों, हमारी हिंदी थोड़ी कच्ची है और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, और आप भी लिख के भेजना कि हमें किस तरह की हिंदी बोलनी चाहिए। अब यह हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें एक बड़ा चम्मच जितना आखा जीरा डालेंगे, उसके बाद आधी चम्मच हींग डालेंगे और सात से आठ कड़ी पत्ता डालेंगे। अब उसमें हमें एक बड़ी चम्मच जितनी आदू मिर्ची की पेस्ट डालनी है, अदरक और मिर्ची की पेस्ट डालनी है, और वो सही तरह से मिल जाए उसके बाद हमें यहाँ एक बड़ा कटा हुआ कैप्सिकम डालना है। कैप्सिकम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही डाल सकते हैं। हमने यहाँ एक बड़ा कटा हुआ कैप्सिकम डाला है। मिक्स कर ले सारी चीज़ों को। अब हमारा कैप्सिकम ठीक से पक जाए उसके बाद हमें यहाँ जो हमने कटा हुआ टमाटर लिया है वो डालना है। हमने यहाँ दो नंग टमाटर को छोटा छोटा कट करके ले लिया है। मिक्स कर ले सारी चीज़ों को। अब हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है। हमने आलू में नमक डाला है इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, और एक चम्मच जितनी शक्कर डालनी है। इसके बाद हमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालना है। जीरा और धनिया को हमने सेक कर पीस लिया है तो वो डालेंगे हम। अब सारी चीज़ों को बराबर तरीके से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें बराबर मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को एक से डेढ़ मिनट तक ढककर पकने देना है। आप देख सकते हैं एक से दो मिनट जितना हो गया है और हमारी सारी चीज़ें सही तरीके से पक चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तो आधा गिलास जितना हम पानी डालेंगे। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर से हमें एक से डेढ़ मिनट तक ढक के इसे छोड़ देना है। अब एक से डेढ़ मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बराबर तरीके से पक गई है। उसके बाद हमें यहाँ एक कटोरी जितना सिंगदाना को कूट के ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। सिंग डालने के बाद हमें एक से डेढ़ मिनट तक इसे यूं ही पकाना है ताकि सींग में से कच्ची स्मेल ना आए। आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से बराबर ऑयल बाहर निकल रहा है। तभी हमने जो आलू उबाल के ले लिया है उसे यहाँ हमने छाल निकाल कर बराबर तरीके से मैश कर लिया है, वो हम डालेंगे। अब आलू डालने के बाद सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बराबर तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हमें इसमें खट्टी छाछ डालनी है, यानी कि बटर मिल्क। तो मित्रों, जितनी हमारी छाछ खट्टी होगी उतनी ही हमारी खिचड़ी बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमें
दो से तीन बड़ी कटोरी छाछ डालनी है। आप देख सकते हैं छाछ बिल्कुल पतली नहीं है, छाछ घाटी और खाटी है, तो डालें और सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। दोस्तों आज का वीडियो हमने स्पेशली हमारे दोस्तों और सगे संबंधियों के लिए हिंदी में बनाया है। उन लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि आप अब से सारे वीडियो हिंदी में बनाएं, तो हमने एक वीडियो हिंदी में बनाने की ट्राई की है। हमारी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज हिंदी में वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हमें फिर से इसे ढककर एक से डेढ़ मिनट तक छोड़ देना है। आप देख सकते हैं एक से डेढ़ मिनट तक हो गया है और हमारी खिचड़ी में से तेल बाहर निकल कर आ रहा है। तभी हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और यहाँ हमने हरे धनिए को काट कर ले लिया है, तो वो ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लेनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आइए फटाफट सर्व कर लेते हैं। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको हिंदी में कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर हमसे हिंदी में कोई भी शब्द अच्छा नहीं बोला जा रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आगे से वो जो हिंदी बोलने में हमारी कमी रह जाती है उसे हम ठीक कर सकें। अब आप देख सकते हैं मुँह में देखते ही पानी आ जाए और फटाफट बन जाए और हेल्दी और टेस्टी ऐसी हमारी आलू और सिंगदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम फिर से हरे धनिया का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये आलू और सिंगदाना की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल श्री हेल्दी फूड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी और वीडियो के साथ। जय स्वामीनारायण।